नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के स्टूडियो में सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, और जैसे हम नए नए विद्वानों से अपने छात्रों को नए नए लेक्चर से अवगत करवाते हैं, इसी क्रम में हमारे बीच आज उपस्थित हैं प्रोफेसर टीपी सिंह साहब जो कि यूपीएस से हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत बड़ा अनुभव है। आप लगभग 22 साल से ऊपर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप हेड यूपीएस में इंफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट में हैं, कंप्यूटर साइंस स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत जो आता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, आप वहां से पीएचडी हैं। इससे पहले आप शारदा यूनिवर्सिटी में भी अपनी सेवाएँ दे चुके हैं, और साथ ही आपने टीसीएस जैसी एक प्रमुख कंपनी में भी 3.5 साल से ऊपर कार्य किया है, और आपके कई शोध पत्र विभिन्न नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हैं। आपका एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। तो सर, हम आपका यहाँ पे स्वागत करते हैं और आपसे अपेक्षा करेंगे कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कि जो कॉमन सी एक समस्या रहती है, हमारे बच्चे ग्राफ थ्योरी में बहुत कुछ नहीं जानते हैं या कुछ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उससे उसके संदर्भ में मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो ग्राफ थ्योरी है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और उसमें जो है तह तक हमारे छात्रों को अवगत कराएंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। धन्यवाद। हेलो एंड वेलकम इस लेक्चर के लिए। मेरा नाम डॉक्टर टीपी सिंह है, और मैं आज आपको एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, जो कि मैथमेटिक्स में भी आता है और कंप्यूटर साइंस में भी आता है, ग्राफ थ्योरी की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि ग्राफ थ्योरी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए हम लोग टाइप ऑफ ग्राफ्स पर जाएं और विभिन्न एसोसिएटेड डेफिनेशंस ग्राफ की देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्राफ की डेफिनेशन के साथ। अगर डेफिनेशन हमें क्लियर होगी, परिभाषा अगर क्लियर होगी, तो हम आगे उसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट करने में बड़ा आसानी रखेंगे। तो मैं ग्राफ को डिफाइन करने जा रहा हूँ, डेफिनेशन देते हैं ग्राफ की। फॉर्मली मैथमेटिक्स में एक प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ ग्राफ बना देख लेते हैं और ये मानने लगते हैं कि ये ग्राफ है, कोई भी चीज बनी हुई है ये ग्राफ है। अगर उसमें एजेस हैं और कुछ नोड्स हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो ये ग्राफ है। मैथमेटिकली अगर हम किसी ग्राफ को डिफाइन करते हैं तो बड़ी एक सुदृढ़ परिभाषा ग्राफ की दी जाती है, और उस परिभाषा को मैं कोशिश करूंगा आपके सामने शुरुआत में लाने की। तो ग्राफ दो सेट्स का, एक सेट अगर हम कहते हैं V है और दूसरा सेट E है, इन दो सेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। पहला सेट कहलाता है सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड्स। तो दो चीजें हुई, ये कहलाएगा सेट ऑफ वर्टिसेस या सेट ऑफ नोड्स। नोड्स और वर्टिसेस को दोनों को हम एक दूसरे के इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पर यूज करेंगे। नोड कहेंगे उसका मतलब भी वर्टेक्स रहेगा, वर्टेक्स कहेंगे उसका मतलब भी नोड रहेगा। तो पहला सेट वी, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे, जैसा हम जानते हैं सेट के अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। तो माना मैंने मेंबर्स हैं V1, V2, V3, मुझे नहीं पता कितने मेंबर्स हैं, इस वजह से मैंने उसको VN कह दिया है। N एक साधारण नंबर, जनरल नंबर है। इसी प्रकार से दूसरा सेट है E, जिसको हम कहेंगे एजेस का सेट। एज
EDGE एज एज एक रेखा हम लोग ग्राफ में कहेंगे जो दो बिंदुओं को मिलाती है, परिभाषित हम जब ग्राफ में करते हैं तो इस रेखा को एज के नाम से जाना जाता है। एज को अगर मैंने कहा कि E1, E2, E3 ये मेंबर्स हैं इस सेट के, मुझे नहीं पता कितने मेंबर्स हैं, इस वजह से मैंने सबस्क्रिप्ट जो ली है वो के ली है। जरूरी नहीं है जितने मेंबर्स यहां हो उतने ही मेंबर्स दूसरे सेट में भी हो। वापस आते हैं, पहला सेट सेट वी, दूसरा सेट सेट ई, और तीसरी चीज है इन दोनों सेट्स के बीच में एक रिलेशन हम लोग कहते हैं, और वो रिलेशन है प्रत्येक मेंबर दूसरे सेट का एक पेयर पहले सेट के मेंबर्स के जरिए परिभाषित होता है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक ई आई एक कॉमन मेंबर है हमारे दूसरे सेट का, और यहां से कोई भी एक पेयर उठा लूं अगर मैं, और मैं ये कहता हूं कि पेयर का नाम है वी जे और वी के, तो पहले सेट से मैंने उठाया पेयर वी जे और वी के, दूसरे सेट से उठाया सिर्फ एक मेंबर, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, मतलब ई आई जाना जाएगा वी जे और वी के साथ। ऐसा ही इस मेंबर इस सेट्स के सभी मेंबर्स के लिए एक रिलेशनशिप एक संबंध परिभाषित होगा साई के साथ। और अगर इन तीनों चीजों को मैं मिला दूं तो इन तीनों चीजों को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में मैं ग्राफ कहूंगा। आते हैं हम वापस अपने पिक्टोरियल या ग्राफ का जो हमने जनरल रूप देखा है उस रूप के ऊपर। माना मैंने एक यहाँ ग्राफ बनाया है जिसमें कुछ नोड्स हैं और कुछ एजेस हैं एक दूसरे के साथ। उस एग्जाम्पल को मैं इस परिभाषा के ऊपर परिभाषित करने की कोशिश करूंगा। माना ये नोड V1 है, माना ये नोड V2 है, माना ये नोड V3 है, माना ये नोड V4 है। अब इन एजेस का नाम भी मैंने रख दिया, माना ये एज E1 है, माना ये एज E2 है, माना ये एज E3 है, माना ये एज E4 है, इसी प्रकार से अन्य एजेस E5, E6 और E7 है। तो अगर मैं अपनी परिभाषा पर देखूं तो मेरा पहला सेट V यहां पर जो है वो चार नोड्स का है, V1, V2, V3 और V4, और दूसरा सेट E जो है वो मेरा सात मेंबर्स का है, E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। और प्रत्येक मेंबर इस सेट का पहला मेंबर है E1, तो E1 जाना जा रहा है, पहले ले लेते हैं E2 को, E2 जाना जा रहा है दो मेंबर्स के जरिए, एक V1 है और दूसरा V2 है। तो मैं कहूंगा कि E2 V1 और V2 के साथ परिभाषित है, E1 E2 जो है वो V1 और V2 के साथ परिभाषित है। जैसा मैंने यहां कहा कोई भी एक सामान्य मेंबर इस सेट के दो मेंबर्स के जरिए परिभाषित होगा, तो VJ VK के जरिए VI पर EI परिभाषित है। अगर मैं अपने एग्जांपल में लूं तो V1 और V2 के जरिए E2 परिभाषित है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं अगर मैं कहूं E4 किसके जरिए परिभाषित है, तो E4 ऑब्वियसली V2 और V3 के जरिए परिभाषित है, क्योंकि E4 V2 और V3 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो मैं कहूंगा V2 और V3। इसी प्रकार से जितने भी मेंबर्स मेरे हैं, E1 हो, E2 हो, E3 हो, E4 हो, E5 हो, E6 हो, E7 हो, सभी के लिए मैं एक पेयर पहले वाले सेट में से निकाल करके लिख सकता हूं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्राफ कहते हैं मैथमेटिकली। अगर मैं कहूं लूजली, अगर मैं कहूं तो ये जो पिक्चर आपके सामने बनी हुई है ये ग्राफ कहलाती है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस पेयर में से दोनों जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को हम लोग अंत बिंदु कहते हैं उस एज के लिए। अगर मैं यहां से कहूं E3 है, E3 परिभाषित है V2 और V3 से, तो V2 और V3 E3 एज के लिए अंतिम बिंदु कहलाएंगे या एंड वर्टिसेस कहलाएंगे। तो E3 के दो एंड वर्टिसेस हैं V2 और V3। इसी प्रकार से E2 के दो एंड वर्टिसेस हैं V1 और V2।
अगर मैं E5 का एग्जांपल लूं, आप आसानी से कह सकते हैं E5 का एक अंत बिंदु है V1 और दूसरा अंत बिंदु है V3। इसी प्रकार से E7 का एक अंत बिंदु है V3 और दूसरा अंत बिंदु है V4। तो ये एंड वर्टिसेस एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारी ग्राफ थ्योरी में कि एंड वर्टिसेस का आप कैसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज मैं एंड वर्टिसेस के जरिए निकालने की कोशिश करूंगा। अगर किसी एज, फॉर एग्जांपल मैंने अपने ग्राफ में से एज ली E1 के अंत बिंदु आप बताएं जरा क्या होंगे। E1 का अंत बिंदु एक है, कहां से निकल रही है V1 से, लेकिन वापस भी तो वो वहीं पर आ जा रही है। कहां आ जा रही है? V1 पर ही आ जा रही है। तो E1 एक इस प्रकार की एज है मेरे ग्राफ में जिसका पहला अंत बिंदु भी V1 है और दूसरा अंत बिंदु भी V1 है, यानी कि सेम एंड वर्टिसेस हैं, समान अंत बिंदु हैं इस एज के। ऐसी एज को हम लोग एक नाम देते हैं और उस एज का नाम होता है सेल्फ लूप। मैं फिर से बताता हूं, एक ऐसी एज जिसके दोनों अंत बिंदु समान हो, यानी वहीं से निकल करके और वहीं पर समाप्त हो रही है, ऐसी किसी भी एज को साधारण एज ना कह करके हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं। तो अब हमें दो चीजें पता चल गईं, एक एंड वर्टिसेस पता चली और दूसरी एंड वर्टिसेस के साथ कंसेप्ट आ गई सेल्फ लूप की। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ग्राफ थ्योरी में शुरुआती तौर पर हम लोगों को जान लेना बड़ा जरूरी होता है और उसकी हम लोग बहुत बार आगे एग्जाम नाम लेते हैं, सिर्फ डेफिनेशन नहीं देते, और उसको कहते हैं हम लोग पैरेलल एज। पैरेलल एजेस, दो एजेस पैरेलल कहलाती हैं अगर उन दोनों के अंत बिंदु समान हो। कैसे? E3 के अंत बिंदु, अगर मैं आपसे कहूं कि E3 के एंड वर्टिसेस आप लिखिए, तो आप E3 के अंत बिंदु लिखेंगे V2 और V3। क्यों? क्योंकि E3 के एक तरफ V2 है और E3 के दूसरी तरफ V3 है। तो मैंने इसके अंत बिंदु लिख दिए V2 और V3। अभी मैंने आपसे फिर पूछा इसी ग्राफ में E4 के एंड वर्टिसेस क्या है। E4 के एंड वर्टिसेस मैंने लिखे, एक ही वर्टेक्स है V2 और दूसरी तरफ उसके कौन है V3। तो ये दोनों अंत बिंदु समान हैं लेकिन एजेस के नाम अलग अलग हैं। तो इस तरह की दो एजेस जिनके अंत बिंदु समान होंगे वो दोनों एजेस पैरेलल एजेस कहलाएंगी। मैं फिर से परिभाषित करने की कोशिश करता हूं, ऐसी दो एजेस जिनके अंत बिंदु समान होते हैं वो दोनों एजेस आपस में समानांतर एजेस कहलाती हैं या पैरेलल एजेस कहलाती हैं। वापस आते हैं, एंड वर्टिसेस समझ में आ गया हमारी, सेल्फ लूप समझ में आ गया हमारी, पैरेलल एजेस समझ में आ गया हमारी। इसके बाद हम आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यहां देने की कोशिश करूंगा मैं, जिसको कहते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब, डिग्री हमेशा वर्टेक्स या नोड के साथ परिभाषित होती है, यानी कि जैसे ही मैं डिग्री कहूंगा, डिग्री का मतलब है डिग्री ऑफ नोड या डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नोड और वर्टेक्स को हम एक सी बात कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री का मतलब है कि किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आकर कितनी एजेस मिल रही हैं। अगर मैं उन एजेस को काउंट कर लूं तो मैं वो काउंट को कहूंगा, उस संख्या को कहूंगा उस वर्टेक्स की डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं अपने ग्राफ में जो मैंने बना रखा है यहां पर V2 की डिग्री आपसे पूछूं कि V2 की डिग्री कितनी है, आप कहेंगे V2 के ऊपर कितनी एजेस आकर के मिल रही हैं। तो आप काउंट करेंगे एक एज, दो एज और तीन एज। V2 पर तीन एजेस आकर के मिल रही हैं, मैं कहूंगा V2 की डिग्री, जिसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, degree of V2 is equal to 3। V2 की डिग्री 3 है। अब आप स्वतः बता सकते हैं V3 की डिग्री कितनी है। तो V3 की डिग्री होगी 1, 2, 3 और 4। 4 एजेस आकर के V3 पर मिल रही हैं। तो इस तरह से V3 की डिग्री
चार हो जाएगी, मैं यहां लिखे दे रहा हूं डी ऑफ वी थ्री विल बी फोर, ये चार हो जाएगी। वी फोर पर आप आसानी से अपने आप देख करके मुझे बता सकते हैं कि वी फोर की डिग्री दो होगी। अब बचा हमारा वी वन की डिग्री ऑफ वी वन क्या होगी। वी वन मैंने लास्ट में इस वजह से कहा कि ठीक है तीन एजेस तो आकर के मुझे दिख रही हैं, मिल रही हैं, एक दो और तीन, लेकिन तीसरी एज साधारण एज नहीं है, उसका नाम सेल्फ लूप है जो हमने परिभाषित किया था। तो सेल्फ लूप हमेशा दो बार काउंट होता है, जैसा दिख भी रहा है एक बार यहां से निकली है एज और दूसरी बार यहां पर वापस आ रही है। तो ये ध्यान रखेंगे हम जब भी डिग्री निकालेंगे किसी ऐसे वर्टेक्स की जिसमें सेल्फ लूप है, तो उस सेल्फ लूप को बगैर किसी शक के दो बार काउंट करेंगे। तो अब आप फिर से काउंट करते हैं हम लोग, आइए एक दो तीन चार और पांच। तो V1 की डिग्री पांच होगी। एक साधारण गलती कई बार हम लोग कर जाते हैं कि इस क्योंकि ये एक ही एज है इसको एक बार काउंट करते हैं, एक बार काउंट नहीं करना है। अच्छी तरह से इसको हम अपने दिमाग में बैठा लें, मैंने दो बार काउंट किया है एक दो तीन चार और पांच, तो इसकी डिग्री पांच हो गई। अब अगर मैं इन सभी डिग्रीज को जोड़ दूं, अब कोई वर्टेक्स बचा नहीं है मेरे पूरे ग्राफ में, वी वन की डिग्री मैंने लिख ली, टू की लिख ली, थ्री की लिख ली, फोर की लिख ली, तो अगर मैं इन सभी डिग्रीज का सम करूं, सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस, तो मैथमेटिक्स में हम लोग जनरलाइजेशन के लिए किसी एक वेरिएबल का यूज करते हैं, तो मैंने यहां आई का यूज कर लिया, तो इन सब का सम कितना आया, थ्री प्लस फोर सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन। सो इसको कहेंगे हम ग्राफ की डिग्री, सॉरी ग्राफ की डिग्री फोर्टीन है, पूरे ग्राफ की डिग्री का समेशन जो है वो चौदह आ रहा है मेरा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्राफ थ्योरी की जो शुरुआती थ्योरम्स में से मानी जाती है और विस्तृत रूप से उसका उपयोग होता है पूरी ग्राफ थ्योरी में, और उसको कहते हैं हैंडशेकिंग लेमा। हैंडशेकिंग लेमा, हैंडशेकिंग लेमा का स्टेटमेंट, हैंडशेकिंग लेमा का जो स्टेटमेंट है वो है कि समेशन ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्राफ्स वर्टिसेस, वर्टिसेस की सभी डिग्रीज को, जैसे मैंने यहां सम किया, यहां पर सबको जोड़ा, इसी तरह से अगर मैथमेटिकली लिखूं तो सभी वर्टिसेस की डिग्री का सम योग, योग वो दुगना होता है जितनी उस ग्राफ के अंदर एजेस होती हैं। ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग हैंडशेकिंग लेमा कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास पांच एजेस हैं किसी ग्राफ में तो पांच इंटू टू टेन, टेन होगा सम सभी वर्टिसेस की डिग्री को अगर मैं एक जगह सम कर दूंगा। ठीक है, तो देखें हम अपने एग्जाम्पल में कि क्या ये बात सही साबित हो रही है या नहीं। हमारे इस एग्जाम्पल में आप लोग बताएंगे कितनी एजेस थी, एक दो तीन चार पांच छह और सात, सात एजेस थी, तो सात लिखा मैंने एजेस की जगह इनटू टू, इसका मतलब समेशन सभी वर्टिसेस की डिग्री का कितना आना चाहिए, चौदह आना चाहिए, और हमने देखा भी कि हाँ चौदह ही समेशन मेरी सभी डिग्रीज का आ रहा है। तो इस चीज को कहते हैं हैंडशेकिंग लेमा। आपके मन में उत्सुकता होगी कहां से ये ऐसा आ रहा है और क्यों हैंडशेकिंग, हाथ मिलाना क्यों कह रहे हैं इस चीज को। हाथ मिलाने का मतलब है अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो हर एज दोनों तरफ दो पड़ोसियों से हाथ मिला रही है, मतलब ये एज यहां पर भी हाथ मिला रही है और यही एज यहां पर भी हाथ मिला रही है। हाथ मिलाने का मतलब उस वर्टेक्स की डिग्री में इसका योगदान आ रहा है, इस वर्टेक्स की डिग्री में भी इसका योगदान आ रहा है। इसका मतलब हर एज दो जगह डिग्री में योगदान दे रही है और योगदान दो जगह दे रही है, इस वजह से हमने लिख दिया यहां पर दुगना।
तो जितने भी डिग्रीज होंगी, जब हम बार बार उन सभी डिग्रीज को जोड़ रहे होंगे तो हर एज दो बार काउंट हो रही होगी, दो बार जोड़ी जा रही होगी। इस वजह से इसको हम लोग हैंडशेकिंग लेमा कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ वो एक एक डिग्री का योगदान देती है। इसके बाद हम लोग, और आप इसके ऊपर कोई भी एक एग्जाम्पल के ऊपर आप बना करके इस थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। अगली कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, और वो कंसेप्ट है पेंडेंट वर्टेक्स और पेंडेंट एज। पेंडेंट वर्टेक्स और पेंडेंट एज। ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री एक हो वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। ऐसी एज जिसमें एक पेंडेंट वर्टेक्स हो पेंडेंट एज कहलाती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री एक हो क्या कहलाता है? पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है। पेंडेंट वर्टेक्स अगर किसी भी एज में कोई एक पेंडेंट वर्टेक्स है वो एज पेंडेंट एज कहलाती है। मैंने जो एग्जांपल आपके सामने ग्राफ में बनाया है, मैं क्या पूछूं आपसे कि कोई भी वर्टेक्स V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो, क्या किसी भी वर्टेक्स की डिग्री एक है? अभी हमने निकाली थी, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 5 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4। नहीं, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री एक नहीं है। इसका मतलब इस ग्राफ में कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। अगर पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है तो इस ग्राफ के अंदर कोई भी पेंडेंट एज नहीं होगी। अभी मैं इस ग्राफ को चेंज कर रहा हूं, एक एज इस ग्राफ के अंदर और बना दे रहा हूं। अब एजेस की संख्या कितनी हो गई? एजेस की संख्या हो गई 8 और वर्टिसेस की संख्या हो गई 5। अब ये नया ग्राफ बन गया। अब मैं आपसे पूछूं कि नया वर्टेक्स है V5, इसकी डिग्री कितनी होगी? आप कहेंगे एक एज आकर के मिल रही है यहां पर, तो डिग्री क्या होगी? एक ही होगी। तो डिग्री ऑफ V5 इज 1, और जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होगी उस वर्टेक्स को हम पेंडेंट वर्टेक्स कहेंगे। तो V5 पेंडेंट वर्टेक्स है और E8 में एक पेंडेंट वर्टेक्स है, इस वजह से एज E8 पेंडेंट एज कहलाएगी। इसके बाद मुझे लगता है कि हमने थोड़ी जो प्रारंभिक परिभाषाएं थी वो हमने सीख ली हैं। अब हम आते हैं विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स के ऊपर। तो मैं इसको कह रहा हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर। टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितनी तरीके के ग्राफ हमारे पास होते हैं। बहुत ग्राफ हैं जो हम कह सकते हैं कि पूरी ग्राफ थ्योरी में परिभाषित होंगे, लेकिन शुरुआत में सिर्फ उन ग्राफ से करूंगा जिनके प्रारंभिक परिभाषाएं हम सीख चुके हैं। तो पहला ग्राफ मैं कहूंगा नल ग्राफ। नल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है। अच्छा, इस आगे जाने से पहले मैं एक चीज और परिभाषित कर दूं यहां पर। जब भी मैं n कहूंगा ग्राफ थ्योरी में, तो n का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस, n का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस और e का मतलब है नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस। तो अगर मैं कहूं किसी ग्राफ, अगर मैं इसी ग्राफ को लेता हूं, किसी और ग्राफ की बात नहीं करते हैं, तो हमारे इसमें n की संख्या 5 है, v1 v2 v3 v4 और v5। n की संख्या 5 है और e की संख्या 8 है, e1 से लेके e8 तक। तो अगर इस ग्राफ की बात करूं तो आई विल से, मैं कहूंगा n जो है वो 5 है और e जो है वो 8 है। ठीक, तो n और e को मुझे बार बार ये कहने की जरूरत नहीं है कि n वर्टिसेस हैं और ई एजेस हैं। वापस आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के ऊपर। नल ग्राफ का मतलब है कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज नहीं है। कैसा ग्राफ? एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी एज नहीं है, यानी कि वर्टिसेस तो हो सकते हैं, नोड्स तो हो सकते हैं, लेकिन एजेस ना हो। आपके एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल ये हो गया।
ये ग्राफ है एक जिसके अंदर दो वर्टिसेस हैं, मैंने कहा इसका नाम V1 है, इसका नाम V2 है, क्या कोई एज है इस ग्राफ के अंदर? कोई एज नहीं है क्योंकि मैंने इन दोनों के बीच में एज बना ही नहीं। तो ये एक ग्राफ है और ये कैसा ग्राफ कहलाएगा? नल ग्राफ कहलाएगा। ये भी एक नल ग्राफ है, मैं कितने भी वर्टिसेस बना दूं, सिर्फ और सिर्फ एजेस ना बनाऊं, तो ऐसे किसी भी ग्राफ को हम लोग नल ग्राफ कहेंगे। तो नल ग्राफ के लिए नंबर ऑफ एजेस जीरो होनी चाहिए, एजेस की संख्या जीरो रहनी चाहिए। दूसरा ग्राफ आता है आपका एम्प्टी ग्राफ। एम्प्टी ग्राफ का मतलब है उसमें ना तो कोई वर्टेक्स है और ना ही कोई एज है। क्या मतलब हुआ इसका? ना कोई वर्टेक्स है ना कोई एज है, तो क्या हम ऐसा कोई ग्राफ खींच सकते हैं? हम ऐसा कोई ग्राफ खींच ही नहीं सकते। और अगर खींच नहीं सकते तो फिर इस ग्राफ की कंसेप्ट क्यों है, क्यों आया? तो कंप्यूटर साइंस वाले छात्र समझ पाएंगे कि जब भी हम किसी एल्गोरिथम को लिखते हैं तो कोई कंडीशन जब हम लोग चेक करते हैं, कंडीशन नल होती है। नल का मतलब कोई भी वैल्यू वहां ना हो। तो ऐसा, तो जब भी हम एल्गोरिथम्स पर, ये ग्राफ्स के ऊपर कोई भी एल्गोरिथम लिखेंगे और कहीं जाकर के कंडीशन को चेक करेंगे और वो कंडीशन नल आ रही है, हम समझेंगे पूरा ग्राफ ट्रेवर्स हो चुका है। गणित के विद्यार्थी सीधे सीधे तौर पर ये कहें, जो कुछ भी नहीं है वो नल है, यानी कि ना कोई वर्टेक्स ना कोई एज, ऐसे ग्राफ को हम लोग नल ग्राफ कहेंगे। तीसरा टाइप का ग्राफ आता है आपका सिंपल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ना तो पैरेलल एजेस हो और ना ही सेल्फ लूप हो, ऐसे ग्राफ को हम लोग सिंपल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूं नो सेल्फ लूप, नो पैरेलल एज। तो अगर मैं पूछूं ये ग्राफ क्या सिंपल ग्राफ है, आप कहेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैरेलल एज भी है। कौन कौन सी एजेस पैरेलल एजेस हैं? E3 और E4 पैरेलल एजेस हैं। इसके अंदर सेल्फ लूप भी है। सिर्फ एक चीज होती तब भी सिंपल ग्राफ ना होता, इसमें तो दोनों चीजें हैं, तो मैं कहूंगा ये बना हुआ ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है। आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए सिंपल ग्राफ का कोई, तो सिंपल ग्राफ का कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें पैरेलल एज ना हो और जिसमें सेल्फ लूप ना हो। ये एक सिंपल ग्राफ है, ये एक सिंपल ग्राफ है, ये एक सिंपल ग्राफ है, ये भी एक सिंपल ग्राफ है, ये भी एक सिंपल ग्राफ है। जैसे ही मैं इसमें पैरेलल एज जोड़ दूंगा या सेल्फ लूप बना दूंगा तो ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। ठीक है, चौथे प्रकार का ग्राफ आपका कहलाता है मल्टी ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप परमिट नहीं है, यानी कि नो सेल्फ लूप, जैसा कि सिंपल ग्राफ में भी है, सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, नो सेल्फ लूप, बट पैरेलल एजेस हो सकती है। पैरेलल एजेस के ऊपर कंडीशन खत्म कर दी हमने, तो सिर्फ सेल्फ लूप चेक करना है कि सेल्फ लूप ना हो, पैरेलल एजेस हो, तो पैरेलल सिर्फ खाली इतना चेक करना है हमें, नो सेल्फ लूप। सिंपल ग्राफ के लिए हमें क्या चेक करना है? नाइदर सेल्फ लूप नॉर पैरेलल, ना तो सेल्फ लूप हो और ना ही पैरेलल एजेस हो। जबकि मल्टी ग्राफ के अंदर सिर्फ सेल्फ लूप चेक कर लीजिएगा, नहीं है तो वो मल्टी ग्राफ कहलाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल, आप कहें एग्जाम्पल दीजिएगा, ये एग्जाम्पल एक मल्टी ग्राफ का है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, इसके अंदर पैरेलल एज जरूर है लेकिन सेल्फ लूप नहीं है, तो इस वजह से ये ग्राफ क्या कहलाएगा? मल्टी ग्राफ कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका है, अगला टाइप आपका है, प्रकार ग्राफ का है, जिसको हम लोग कहते हैं सूडोग्राफ, PSEUDO, सूडोग्राफ। सूडोग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिनके अंदर सेल्फ लूप भी होता है और पैरेलल एजेस भी होती हैं, यानी कि सिंपल ग्राफ का अपोजिट कौन सा ग्राफ होगा? सूडोग्राफ होगा। सिंपल ग्राफ
तो परमिट ही नहीं करता कि सेल्फ लूप भी नहीं होना चाहिए और पैरेललाइज भी नहीं होनी चाहिए, जबकि सूडो ग्राफ कहता है दोनों चीजें हो सकती है। तो एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर सेल्फ लूप भी ओके हैं और पैरेललाइज भी हैं, ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? सूडो ग्राफ कहेंगे। एग्जांपल आपके सामने मैंने जो शुरुआत में लिया था वो एग्जांपल सूडो ग्राफ का है, क्योंकि इसके अंदर पैरेललाइज भी हैं, इसके अंदर सेल्फ लूप भी हैं। सम अप करते हैं इसको संक्षिप्त रूप में अगर मैं कहूं तो, अगर पैरेललाइज भी हैं और सेल्फ लूप भी है, ऐसा ग्राफ कहलाएगा सूडो ग्राफ। अगर खाली पैरेललाइज हैं, सेल्फ लूप नहीं है, तो ऐसा ग्राफ कहलाएगा मल्टी ग्राफ। और अगर ना तो सेल्फ लूप है और ना ही पैरेलल एजेस हैं, ऐसा ग्राफ कहलाएगा सिंपल ग्राफ। तो ये तीन प्रकार के ग्राफ आपको हमेशा याद रखने होंगे, ग्राफ थ्योरी जब भी पढ़नी है इन तीन ग्राफ्स की को जहन में रखना पड़ेगा। प्रकार को हम आगे बढ़ाते हैं, पांच प्रकार के ग्राफ देखे हमने, एक दो ग्राफ और देखते हैं जो हमारी समझ में अभी इस लेवल पर आ सकते हैं। एक ग्राफ है आपका जिसको कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री समान हो, ऐसे ग्राफ को हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं ऑल वर्टिसेस ऑल नोड्स ऑफ सेम डिग्री, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। एक ऐसा ग्राफ जिसके सभी वर्टिसेस की डिग्री समान हो, ऐसे ग्राफ को रेगुलर ग्राफ कहेंगे। एग्जांपल देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये ग्राफ है, आप कहेंगे हां है, तो इसमें इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? एक है। इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है? एक है। दोनों वर्टिसेस की डिग्री समान है, उसकी भी एक, इसकी भी एक, तो ये ग्राफ रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूं और मैं पूछता हूं क्या ये रेगुलर ग्राफ है, आप क्या चेक करेंगे? डिग्री चेक करेंगे। इस वर्टेक्स की डिग्री एक है, इस वर्टेक्स की डिग्री एक है, इस वर्टेक्स की डिग्री दो है, सभी वर्टिसेस की डिग्री समान नहीं है, एक एक और दो, इस वजह से मैं कहूंगा ये रेगुलर ग्राफ नहीं है, ये रेगुलर ग्राफ नहीं है। फिर अगर मैं ये जोड़ दूंगा तो ये रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। आप देखिए, इसकी डिग्री दो हो गई, इसकी डिग्री दो हो गई और इसकी डिग्री भी दो हो गई, तो ये सभी वर्टिसेस की डिग्री समान हो गई, तो ये क्या कहलाएगा? रेगुलर ग्राफ कहलाएगा। और कभी कहीं कहीं ये लिखा जाता है, जो डिग्री होती है उसको शुरू में लिख देते हैं और कह देते हैं टू रेगुलर ग्राफ। अगर थ्री होती डिग्री तो मैं लिख देता थ्री रेगुलर ग्राफ। ये भी टू रेगुलर ग्राफ है आपका। देखिए, आपका हर वर्टेक्स की डिग्री दो है, इसकी डिग्री दो है, इसकी डिग्री दो है, इसकी डिग्री दो है और इसकी डिग्री दो है, तो ऐसे ग्राफ को भी मैं, ये रेगुलर ग्राफ होगा ही होगा, लेकिन कितना रेगुलर है? टू रेगुलर है। अभी मैं आपसे पूछूं थ्री रेगुलर ग्राफ बनाइए, फोर रेगुलर ग्राफ बनाइए, तो आप कोशिश करेंगे एजेस जोड़ेंगे इसके अंदर और इस तरह से जोड़ेंगे कि हर वर्टेक्स की डिग्री तीन हो जाए या चार हो जाए। तीन रेगुलर ग्राफ का एग्जांपल आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप बना करके देखिएगा। चार रेगुलर ग्राफ का मैं बना करके दिखा देता हूं। अगर मैंने एक यहां सेल्फ लूप जोड़ दिया, यहां सेल्फ लूप जोड़ दिया, यहां सेल्फ लूप जोड़ दिया और यहां सेल्फ लूप जोड़ दिया, आप बता सकते हैं हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो गई? एक, दो, तीन और चार। याद रखिए, सेल्फ लूप दो बार काउंट होता है, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। तो ये क्या बन गया हमारा? फोर रेगुलर ग्राफ। ये भी रेगुलर है। क्यों रेगुलर है? हर वर्टेक्स की डिग्री समान है, इस वजह से ऐसे ग्राफ को हम लोग रेगुलर ग्राफ कहेंगे। एक इसी का दूसरा प्रकार है ग्राफ का, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स, हर नोड अपने हर पड़ोसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस में हो। कैसे? अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, इसी एग्जांपल इसी को लेता हूं, मैं ऊपर जो एग्जांपल बना हुआ है इसको मैं फिर से बना रहा हूं। ये देखिए, अगर इसमें मैं नाम लिख देता हूं, यहां वी वन लिख दिया, वी टू लिख दिया, वी थ्री लिख दिया, अब क्या कंडीशन है कंप्लीट ग्राफ की? हर नोड बाकी सभी नोड से डायरेक्ट एज के जरिए जुड़ा हुआ होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट एज के जरिए।
V1 V2 से डायरेक्टली जुड़ा है दिख रहा है, V1 V3 से डायरेक्टली जुड़ा है दिख रहा है, V1 के लिए ओके है, V2 बाकी दोनों से, तो बाकी रहा V1 और V3, V2 V1 से डायरेक्टली जुड़ा है, V2 V3 से डायरेक्टली जुड़ा है तो V2 के लिए भी ओके हो गया, V3 हाँ V3 V1 के से भी डायरेक्टली जुड़ा है और V3 V2 से भी डायरेक्टली जुड़ा है इसलिए V3 के लिए भी ओके हो गया और ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ की श्रेणी में आ गया। फिर से एक बार देखते हैं, कंप्लीट ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर नोड हर वर्टेक्स बाकी सभी पड़ोसियों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ हो, ऐसे ग्राफ को हम लोग कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। तो ये कंप्लीट ग्राफ है और अगर मैं कंप्लीट ग्राफ की का बनाऊं तो ये क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कंप्लीट ग्राफ है तो देखते हैं चेक करते हैं जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के जरिए, तो इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं, चार वर्टिसेस हैं, चार वर्टिसेस का मतलब क्या हुआ V1 बाकी कितने बचे V2 V3 V4 तो V1 V2 से भी जुड़ा होना चाहिए, V1 V2 3 से भी जुड़ा होना चाहिए और V1 V4 से भी जुड़ा होना चाहिए और डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, तो V1 V2 से भी जुड़ा है फाइन, V1 V3 से भी जुड़ा है गुड, बट V1 V4 से नहीं जुड़ा है लिहाजा V1 अपने सभी बाकी लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, इसलिए ये ग्राफ अगर एक के लिए भी नहीं है तो फिर तो वो ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, ये ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं है। एक कदम आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को कंप्लीट ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम और एजेस इसके अंदर डाल करके कंप्लीट ग्राफ बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा, V1 को V4 से जोड़ दिया, अब V1 के लिए तो सत्य हो गया, V1 V2 से भी जुड़ा है, V1 V3 से भी जुड़ा है और V1 V4 से भी जुड़ा है, फाइन एनफ। लेकिन ये सब कुछ हर वर्टेक्स के लिए होना चाहिए। मैं आता हूं V2 पर, तो क्या V2 अपने बाकी पड़ोसियों से जुड़ा है, V2 V1 से जुड़ा है, V2 V3 से नहीं जुड़ा है, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। तो मैं V2 को V3 से फिर एक बार जोड़ देता हूं, एक और एज क्रिएट कर देता हूं, एक और कनेक्शन क्रिएट कर देता हूं, अब V2 के लिए ट्रू हो गया, V1 के लिए ट्रू हो गया, V2 V1 से भी जुड़ा है, V1 V2 V3 से भी जुड़ा है और V2 V4 से भी जुड़ा है, अपने सभी पड़ोसियों से जुड़ा है। अब V3 के ऊपर आता हूं, V3 के पड़ोसी V1 V2 और V4 बचे, तो V3 V1 से भी जुड़ा है, V3 V2 से भी जुड़ा है और V3 V4 से भी जुड़ा है, सत्य है V3 के लिए, V4 के लिए भी सत्य है, तो सभी के लिए सत्य है, तो ये ग्राफ क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर नोड हर दूसरे नोड से जुड़ा हुआ हो एक एज के जरिए, ऐसे ग्राफ को हम लोग कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। तो रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री समान होगी, क्या होगी मुझे नहीं मतलब। कंप्लीट ग्राफ हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स से जुड़ा हुआ होगा और ये हर एक वर्टेक्स के लिए सत्य होगा, ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, कंप्लीट ग्राफ कहेंगे। अब देखिए यहां देखिए, ये एक कंप्लीट ग्राफ भी है और एक ये रेगुलर ग्राफ भी है, क्यों, क्योंकि हर वर्टेक्स हर दूसरे से जुड़ा है और हर एक की डिग्री समान है, तो ये कंप्लीट का भी उदाहरण है और रेगुलर ग्राफ का भी उदाहरण है। आश्चर्यजनक रूप से अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, ये ग्राफ, एक नया ग्राफ बना रहा हूं मैं, उस ग्राफ की जगह 4 रेगुलर को हटा दे रहा हूं जो अभी मैंने सेल्फ लूप क्रिएट करते हुए बनाया था, उस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए मैं भूल जा रहा हूं और इस ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो ये ग्राफ रेगुलर ग्राफ तो है, क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है और इसकी डिग्री भी 2 है, रेगुलर ग्राफ है लेकिन कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ मिला हुआ है, ये इसके साथ मिला लेकिन ये इसके साथ नहीं मिला है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ आपकी समझ में आ गए होंगे। ग्राफ के प्रकार में कुछ और ग्राफ, एक दो ग्राफ और देखते हैं हम, उसके बाद कुछ अन्य परिभाषाओं की तरफ चलने की कोशिश करेंगे। एक ग्राफ कहलाता है साइकिल ग्राफ, और साइकिल ग्राफ से ही उत्पत्ति होती है व्हील ग्राफ की। साइकिल ग्राफ में
की डेफिनेशन है, हर वर्टेक्स अपने दोनों तरफ ठीक एक एक नोड से जुड़ा हुआ हो और ऐसा हर वर्टेक्स के लिए सत्य हो, और ऐसा करते हुए हम एक क्लोज्ड साइकिल बना रहे हैं। तो जैसा नाम कह रहा है साइकिल ग्राफ, साइकिल की सी अगर आकृति हमको मिल रही है तो ऐसे ग्राफ को हम लोग साइकिल ग्राफ कहेंगे। साइकिल ग्राफ की खूबसूरती ये होती है कि उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती है, ये कंडीशन है साइकिल ग्राफ की। आप देख लीजिएगा, हर वर्टेक्स सिर्फ और सिर्फ एक इधर जुड़ा होगा और एक इधर, इसके अलावा वो वर्टेक्स कहीं किसी से भी नहीं जुड़ा होगा, और ये सत्य होगा हर वर्टेक्स के लिए। तो ऐसा करते हुए एक साइकिल सी बन जाती है और इस ग्राफ को हम लोग साइकिल ग्राफ कहते हैं, और साइकिल ग्राफ को हम लोग अक्षर सी से डिनोट करते हैं, सी से लिखते हैं। अगर मैं कहूं सी, ये इसके अंदर वर्टिसेस की संख्या अगर है हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो इसको हम लोग कहेंगे C6। क्या कहेंगे हम लोग इसको? C6। साइकिल ग्राफ 6 वर्टिसेस का। अभी मैं आपसे कहूं C10 बनाइए, आप तुरंत 10 वर्टिसेस बनाएंगे और इस तरीके का एक शेप दे देंगे उसको, और ये कहेंगे आप ये साइकिल ग्राफ है 10 वर्टिसेस का। अब अगर इसी साइकिल ग्राफ के अंदर, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, काला कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर इसी साइकिल ग्राफ के अंदर मैं एक वर्टेक्स बीचों बीच रख दूं, एक वर्टेक्स बीचों बीच रख दूं, और उस वर्टेक्स को परिधि पर आने वाले सभी वर्टिसेस से, परिधि पर आने वाले सभी नोड्स के साथ एक कनेक्शन से जोड़ दूं, तो देखिए चक्र की प्रकार की आकृति बन जाती है, व्हील के प्रकार की आकृति बन जाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हील ग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? व्हील ग्राफ कहते हैं। तो व्हील ग्राफ कहां से आया? अच्छा, इसको व्हील ग्राफ को हम लोग W से लिखते हैं। W सबस्क्रिप्ट में हम लोग लिखेंगे जितने नोड्स होंगे। कितने नोड हैं इस W में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। तो ये W7। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो W7 व्हील ग्राफ W7 की उत्पत्ति कहां से हुई? पहले मैंने क्या बनाया? साइकिल ग्राफ बनाया। कितने वर्टेक्स का, कितने नोड्स का? जितने का मुझे व्हील ग्राफ बनाना है उससे ठीक एक कम का, जितने का भी मुझे साइकिल ग्राफ बनाना है, भाई व्हील ग्राफ बनाना है, मानो मुझे व्हील ग्राफ बनाना है 100 वर्टिसेस का, तो मैं पहले 99 वर्टिसेस का साइकिल ग्राफ बनाऊंगा और उसके बीच में एक वर्टेक्स रख दूंगा और उस वर्टेक्स को उन 99 के 99 वर्टिसेस के साथ जोड़ दूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? W100 कहलाएगा। तो हम लोग साधारण भाषा में ये कहते हैं कि साइकिल ग्राफ 6 से पैदा होता है, व्हील ग्राफ 7। तो अगर हम इसको जनरलाइज करने की कोशिश करें तो हम लोग कहते हैं कि CN-1 साइकिल ग्राफ N-1 से उत्पत्ति होती है व्हील ग्राफ N की। तो पहले साइकिल ग्राफ N-1 बनाइए, उसके अंदर एक वर्टेक्स और जोड़ दीजिए और उसको परिधि पर आने वाले सभी वर्टिसेस के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा। इस प्रकार का बने हुआ ग्राफ क्या कहलाएगा? हमारा व्हील ग्राफ कहलाएगा। मैं यहां रुकता हूं 10 प्रकार के ग्राफ के बाद। इसके बाद भी काफी सारे और ग्राफ हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और प्रारंभिक परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी, तो उन परिभाषाओं को हम लोग परिभाषित करेंगे। लेकिन फाइनली रुकने से पहले मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहूंगा। उस चार्ट के जरिए हम इन ग्राफ्स में कितनी एजेस होती हैं एक किसी जनरल ग्राफ के अंदर, वो हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कहूं कंप्लीट ग्राफ, अभी जो हमने पढ़ाया कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ को हम लोग K से डिनोट करते हैं। अगर N वर्टिसेस हैं कंप्लीट ग्राफ में, तो मैं यहां पर एक टेबल आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा जो आपको रेडी रेकनर की तरह से काम आएगी। यहां मैं लिखूंगा आपका टाइप ऑफ ग्राफ, यहां लिखूंगा नोटेशन, उस ग्राफ को कैसे नोटेट करते हैं, और यहां पर लिखूंगा उस ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, और यहां लिखूंगा उस ग्राफ के अंदर कितनी एजेस हैं।
तो पहला पहला एग्जांपल मैंने लिया कंप्लीट ग्राफ का, कंप्लीट ग्राफ को हम लोग बड़े लेटर के, के बड़े लेटर से नीचे हम लोग हमेशा वर्टेक्स का नंबर लिखते हैं, नोड्स कितने हैं उसके अंदर लिखते हैं, तो कितने नोड्स हैं ऐसे ग्राफ में, एन नोड्स हैं, और ऐसे ग्राफ में एजेस की संख्या होती है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। एक किसी भी कंप्लीट ग्राफ के अंदर इतनी एजेस होती हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, अगर के फाइव में बना रहा हूं, चलिए के फाइव बनाते हैं। मैंने आपसे कहा के फाइव बनाइए, आप तुरंत समझ गए कंप्लीट ग्राफ बनाना है, के मतलब कंप्लीट ग्राफ, पांच वर्टिसेस का बनाना है, आप क्या करेंगे तुरंत पांच वर्टिसेस ले लेंगे। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन, हर वर्टेक्स हर दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना होगा। पहला वर्टेक्स उठाया, इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया, इसके साथ कनेक्ट किया और इसके साथ कनेक्ट किया, हो गया। दूसरा वर्टेक्स उठाया, यही कहानी दूसरे वर्टेक्स के साथ भी लपटाई, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जो भी जोड़ा, इसको इसके साथ भी जोड़ा, दूसरे वर्टेक्स के लिए भी हो गया। तीसरा उठाया, इसको ये जुड़ा ही हुआ है, ये जुड़ा ही हुआ है, ये और जोड़ना है और ये और जोड़ना है, सभी वर्टिसेस के साथ जुड़ गया, और यही मैंने इसके साथ किया, ये यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है, यहां भी जुड़ा है और ये इसके साथ भी जुड़ गया। अब सभी वर्टिसेस सब दूसरे वर्टिसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया, और कितने वर्टिसेस हैं टोटल, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो क्या हो गया ये कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टिसेस। इसमें मुझे एजेस निकालनी है, तो यहां पर एन क्या संख्या आ गई आपकी, एन आ गया 5, कितने वर्टिसेस हैं वो आ गया 5। अब इसमें एजेस निकालनी है मुझे कि E की संख्या क्या होगी, एजेस मैंने शुरुआत में आपको बताया था हम लोग E से देखेंगे, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, एन हो गया यहां पर 5, 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 इंटू 4 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, 10, तो कितनी एजेस होंगी ऐसे ग्राफ में 10। क्या हम काउंट कर सकते हैं, करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सभी एजेस काउंट हो गए, तो 10 एजेस ही होंगे। तो K5 तो मैंने काउंट कर लिया, अभी अगर हम कहें आपको K100 में कितनी एजेस होंगी, तो आप K100 बना तो सकते नहीं है, 100 वर्टिसेस रख करके और उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए और फॉर्मूले के जरिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसे ग्राफ के अंदर कितनी एजेस होती हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको एक जनरल फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे ही अगर दूसरी बात कहूं मैं साइकिल ग्राफ की, साइकिल ग्राफ एन वर्टिसेस के को हम सी एन कहते हैं, जिसके अंदर एन वर्टिसेस होते हैं और जितने वर्टिसेस होते हैं उतनी ही एजेस होती हैं। एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर मैं कहूं सी फाइव, आप तुरंत समझेंगे साइकिल ग्राफ 5 वर्टिसेस का, तो आप क्या करेंगे 5 वर्टिसेस बनाएंगे और उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये साइकिल ग्राफ हो जाएगा, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, साइकिल ग्राफ में ऐसा ही होता है। एजेस काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, अब सी 100 बना लीजिए 100 एजेस आएंगी, सी 15 बना लीजिए 15 एजेस आएंगी, सी 20 बना लीजिए 20 एजेस आएंगी, तो सी एन में एन वर्टिसेस और जितने वर्टेक्स उतनी एजेस। तो ये हो गया हमारा साइकिल ग्राफ का फार्मूला। और तीसरा मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ग्राफ बताया था एक अंत में, व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ के अंदर, व्हील ग्राफ को हम लोग डब्ल्यू एन से परिभाषित करते हैं, लिखते हैं, और डब्ल्यू एन के अंदर एन वर्टिसेस हैं और एन वर्टिसेस के अंदर 2 × (n-1) एजेस होती हैं। ये कहां से आया, ये आया डब्ल्यू एन की उत्पत्ति एक कम कर दो तो सी एन माइनस वन से होती है, सी एन माइनस वन से डब्ल्यू एन आता है, तो सी एन माइनस वन में कितनी एजेस होती हैं, एन माइनस वन एजेस होती हैं, और एक और वर्टेक्स रखा और उन एन माइनस वन वर्टिसेस से हमने कनेक्ट कर दिया, तो टोटल एजेस हो गई दुगना, 2 × (n-1)। तो किसी भी व्हील ग्राफ की, अगर मैं इसी का एक व्हील ग्राफ बनाऊं, मैं बनाऊं डब्ल्यू सिक्स, अगर मैं बनाने जा रहा हूं डब्ल्यू सिक्स, डब्ल्यू सिक्स कहां से बनेगा, सी फाइव से बनेगा, एक कम साइकिल ग्राफ से बनेगा। तो पहले मैंने C5 बना लिया, W6 बनाने के लिए C5 बना लिया, एक वर्टेक्स यहां रखा उसको सबसे जोड़ दिया, तो कितनी एजेस होनी चाहिए मेरे फार्मूले के मुताबिक उसमें, 2 × (n-1) और n क्या है यहां 6 है, तो 2 × (6-1) 2 × 5 इसका मतलब 10 एजेस होनी चाहिए। अब काउंट कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
छोटा ग्राफ काउंट कर सकते हैं, बड़ा ग्राफ नहीं कर सकते। अगर आपको कहें W100 में कितनी एजेस हैं बताइएगा, तो उसके बाद जो है हम उसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हम उसको डायरेक्टली बता सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये टेबल आपके लिए बहुत हैंडी रहेगी, ये टेबल हमेशा आप याद रखें। कोई भी जब भी आपसे नंबर ऑफ एजेस पूछेगा, आप तुरंत फॉर्मूला निकालिएगा और उसको बता दीजिएगा कि ये अगर इतने वर्टेक्स हैं, एन की वैल्यू आप हमें दीजिएगा, हम उसमें एजेस की वैल्यू आपको दे देंगे। तो आज हमने विभिन्न प्रारंभिक परिभाषाएं ग्राफ की देखी और उन परिभाषाओं से बनने वाले कुछ नए ग्राफ्स की जानकारी हमने ली। 10 प्रकार के ग्राफ हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं सभी। सभी ग्राफ अगर हमारी समझ में आ जाते हैं तो ग्राफ थ्योरी की आगे की हमारी जो जर्नी रहेगी वो आसान हो जाएगी। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरा ईमेल आईडी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस ईमेल आईडी पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2 ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूं, दोनों में से किसी भी ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना प्रश्न भेज सकते हैं और कोशिश करूंगा मैं आपका उस प्रश्न की जानकारी और उत्तर आपके ईमेल आईडी पर देने की। ये 2 ईमेल आईडी हैं मेरे, तो इन दोनों ईमेल आईडी पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आप उस प्रश्न को मुझे लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर टीपी सिंह है। इससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग कुछ और एडवांस ग्राफ्स, यूलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, इन ग्राफ्स के बारे में को परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उन ग्राफ वो किस प्रकार के ग्राफ होते हैं और किन लोगों ने उन ग्राफ्स को परिभाषित किया है। धन्यवाद।